Now, in continuation of e-business, let us now talk about the process of online transactions. Like, how do we do these online transactions? The first step in the process of online transaction is that of registration. Any website that you log on to will ask you to register. ठीक है, register yourself as a new user. You have to create an account for yourself, which is secured by a password. Okay, you have to first sign up to be able to shop anything on that particular website, right? Second is placing an order. ठीक है, जब आप अपने आप को register कराएंगे ना, तब उसके ऊपर आपका account name आ जाएगा. Like for me, it is Ruby Singh. All right, और मेरे account के साथ ही they'll show a cart kind of a thing. Okay, now during this entire process of scanning the website, looking out kya kya products available hain, kya prices hain, maine do teen cheeze jo hai finalize ki, to jab maine char cheeze jo select kar li hain, wo meri cart mein add hoti chali jayengi. Theek hai, it will show ki ye char cheeze maine inki website se uthai hain. Fine, so I finalize the order and I place the order that this is what I want to buy. ठीक है, उसके बाद वो मुझे टोटल अमाउंट दिखा देगा दैट दिस इज द अमाउंट, ये आपने चार चीजें आपने ये लिए ए बी सी डी और उसका आपका बिल इतना बन रहा है. देन कम्स नाउ हाउ एम आई गोइंग टू पे दिस. ठीक है, थर्ड इज पेमेंट मैकेनिज्म, दैट हाउ डू आई वांट टू पे. देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस दैट दे आर गोइंग टू गिव यू, दैट इज सीओडी. सीओडी इज नथिंग एल्स बट कैश ऑन डिलीवरी. क्योंकि पहले हमेशा हमें जो था ना, एज आई टोल्ड यू दैट एज द बायर एंड सेलर बोथ आर अननोन टू ईच अदर, तो दे ऑलवेज आर स्केप्टिकल अबाउट गोइंग अहेड विद द ट्रांजैक्शन. कि कहीं मैंने अपना डेबिट कार्ड नंबर दे दिया या क्रेडिट कार्ड नंबर दे दिया कि मिसयूज ना हो जाए. सो जस्ट इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डीमेरिट, अ न्यू पेमेंट मैकेनिज्म विच हैज कम अप इज कैश ऑन डिलीवरी. कि आपको फिजिकली जब गुड्स डिलीवर हो जाएंगे, यू कैन इंस्पेक्ट द गुड्स एंड देन यू कैन पे कैश आफ्टर बींग सेटिस्फाइड कि दिस इज वॉट आई हैव ऑर्डर्ड. ऑल राइट, तो उसके बाद आप उसको कैश पे कर सकते हैं. दिस इज वन पेमेंट मैकेनिज्म, वन मेथड ऑफ मेकिंग द पेमेंट. द सेकेंड वन इज चेक और ड्राफ्ट. फाइन, वेर इन द सेलर कैन अरेंज फॉर द चेक टू बी पिक्ड अप फ्रॉम योर एड्रेस और ड्राफ्ट टू बी पिक्ड अप फ्रॉम योर एड्रेस. बट आपको डिलीवरी तभी होगी जब तक चेक एंड कैश नहीं हो जाता. जब चेक एंड कैश हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स की डिलीवरी की जाएगी. राइट, अनदर इज क्रेडिट और द डेबिट कार्ड नंबर्स. ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन यूज टू टेक प्लेस यूजिंग डेबिट और द क्रेडिट कार्ड बिफोर सीओडी हैड कम इन. अब मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर बीइंग टेकन अप यूजिंग कैश ऑन डिलीवरी एज द पेमेंट मैकेनिज्म. देन कम्स योर नेट बैंक ट्रांसफर. आप अपने अकाउंट से, ठीक है, जो सेलर है उसके अकाउंट में ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है, लास्ट इज योर डिजिटल कैश. दिस इज डिजिटल कैश इज अ कैश और द मनी दैट एग्जिस्ट इन योर ई स्पेस. ठीक है, बाय मेकिंग सम अमाउंट ऑफ पेमेंट, ठीक है, जो सेलर है आपको डिजिटल कैश इशू कर देगा. फाइन, तो उस कैश को आप यूज कर सकते हैं टू मेक योर ऑनलाइन पेमेंट. सो दीज आर बेसिकली फाइव डिफरेंट वेज इन विच द पेमेंट कैन बी मेड फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस. Right now, in continuation, I'd also like to talk about the different risks that the online transactions are exposed to. Number one being your transactional risks. Transactional risk mein first one jo aata hai, default on order taking and order giving. Fine, which means wherein the seller or the buyer denies having received the order or having placed the order. Fine, this risk is always there. Then default on delivery. डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी मीनिंग या तो आपने गलत एड्रेस पे डिलीवर कर दिए या गलत प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया. फाइन, डिफॉल्ट ऑन पेमेंट जहां पे कि बायर कह रहा है कि उसने दे दिए पैसे और सेलर कह रहा है कि उसने रिसीव ही नहीं किए पैसे. दिस इज व्हाट वी कॉल एज ऑन डिफॉल्ट ऑन पेमेंट. फाइन, देन देयर आफ्टर कम्स योर डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क. नाउ द एंटायर डेटा रिगार्डिंग द जितना भी आपका कस्टमर्स हैं, ठीक है, या जितने आपके डिफरेंट व्हाट यू कॉल वेंडर्स, ठीक है, जहां जहां से आप अपना माल उठाते हैं, प्रोडक्ट्स उठाते हैं, दिस एंटायर डेटा इज स्टोर्ड ऑनलाइन. ओके, एंड इफ समवन हैक्स योर वेबसाइट, इफ समवन हैक्स योर वेबसाइट, ही कैन यूज योर एंटायर इंफॉर्मेशन टू हिज एडवांटेज. ही कैन डिलीट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फाइल्स. ही कैन मिसयूज द data that you have stored online. Fine, another risk that is subject to is virus. Okay, virus, the full form is when you virus attack ho jaye agar aapka,
ठीक है, इट इज समथिंग एज वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज. ओके, सो इफ अ वायरस एंटर्स योर सिस्टम, ठीक है, या तो होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स सिर्फ वो खराब हो जाएंगी, राइट, द नेक्स्ट स्टेप इज पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा, ठप हो जाएगा, बैठ जाएगा, यू कांट वर्क ऑन दैट, राइट. लास्ट इज रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. वंस द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑनलाइन, ओके, यू कैनॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम कॉपिंग दैट इंफॉर्मेशन. ओके, दे कैन यूज द इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल ऑनलाइन टू देयर एडवांटेज. सो दीज आर द थ्री रिस्क दैट द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आर exposed to, that is your transactional risks, data storage and transmission risk, and risk of threat to intellectual property. Now, how to ensure safety of e-business transactions? How to ensure safety of e-business transactions? Number one being non-repudiation. Non-repudiation meaning refusal or to deny the truth. So, first thing is that the transaction should be carried out in a manner that neither the seller nor the buyer is able to deny, theek hai, of having received the order or of having placing the order. The seller cannot deny that he hasn't received the order of a particular product, and the buyer cannot deny that he has not placed the order. Now, how can you do that? This can be done. Like nowadays, if you place an order, okay, they'll ask your email ID and they'll immediately send a password on your email ID, and you have to type that password to be able to process the order. Okay, so this is how they check ki jo banda order place kar raha hai authentic hai ke nahi hai. Right. Second is your data encryption. Encryption meaning converting your data into certain codes, secret codes, which only the person who's sending the information and the person who's receiving the information, only they can understand what the data is all about. Then digital signature. It says your Information Technology Act 2000 has made it mandatory that any e-document will be considered as valid only if it has the digital signature of that particular person. Now, like we have your crime cell for any kind of crimes that a person indulges into, theek hai, is tried over there. Similarly, any kind of crime which takes place in the e-world, theek hai, in the cyberspace, will be transferred to your cyber crime cell. Just like physical crime cell, cyber crime cell is also being established. The persons working in cyber crime cell must be fully conversant with information technology. They should know how frauds are committed electronically, along with the knowledge of investigating non-electronic crimes. Right. Apart from this, we've also mentioned in the book resources which are required for successful implementation of e-business. Number one, sufficient number of computers should be there with the business firm to be able to successfully implement e-business. Then the workforce should be technically qualified. Okay, it should be able to handle the kind of rush that is there of the transactions. It should be able to handle the customer's query, should be able to solve the customer's query on time and effective and efficient manner. Then you should have a reliable system of receiving the payment, theek hai, aur kabhi kisi ki excess payment aa jaye to usko refund karne ka system bhi hona chahiye. Then the website should be well designed, most important. What is a website? Website is nothing else but it is the face of a business organization. All right, website is a silent salesperson. It is telling that is your we can say, agar if you are only selling your products using if you're selling your products online only, ठीक है, आप वैसे कोई स्टोर नहीं है आपका, सिर्फ ऑनलाइन आपके प्रोडक्ट्स अगर बिकते हैं, सो योर वेबसाइट हैज टू बी सो गुड, इट शुड प्रोवाइड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल, हाउ द प्रोडक्ट इज बेटर ओवर द अदर कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स विच आर इन द मार्केट. ऑल राइट, देन कस्टमर ग्रीवियंसेस को हैंडल करने के लिए वो भी एक पोर्टल होना चाहिए. Alright, so your website is, the designing of the website should be such that it should be able to communicate effectively with the customers, the prospective customers. Last but not the least, there should be an effective telecommunication system. There must be an effective telecommunication system with optic fiber wires and internet technology capable of handling the information traffic on internet for the service of the e-business. So this was all about what is an online transaction, what is a process of online transactions, fine, then what are the risks that the online transactions are subject to, how these risks can be overcome, fine, and what are the various essentials which are required to be there for successful implementation of e-business.
business.